फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता सिंह ऑल इन वन। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि हम अपना घर में ही फेशियल खुद कैसे कर सकें, क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड की वजह से हम बाहर जाना बंद कर दिए हैं। इस वजह से मैं घर के सामानों से आपको फेशियल करना बताऊंगी, जो कि हमारे चेहरे पे जो काले दाग हो जाते हैं, मेरे चेहरे पे बहुत काले दाग थे जो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। मैं यही टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले लेंगे हम कच्चा दूध। कच्चा दूध से हम चेहरे को क्लीन करेंगे। एक क्लीनिंग मिल्क का काम करेगा। फिंगर टिप्स से हल्का हल्का इसको 1 से 2 मिनट तक मसाज करेंगे। से गले पे भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए पिसी हुई चीनी और हनी दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। और हमने जो ये दूध चेहरे पे लगाया है उसको धोना कोई जरूरी नहीं है, हम धो भी सकते हैं नहीं भी धो सकते हैं। अब ये पिसी हुई चीनी और हनी से हम हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे। जहां हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं वहां पे थोड़ा हम हल्का गुलाब जल या पानी यूज कर सकते हैं। जो घर में सामान हो उसी से करें। आपके पास अगर हनी नहीं हो तो आप टमाटर का जूस भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक करेंगे। इसको हम साफ कर लेंगे। एलोवेरा जेल या आप एलोवेरा पल्प भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप टमाटर का पल्प यूज कर सकते हैं। मैं बेसिक चीज़ों से ही आपको घर में जो हमारे घर में किचन में जो सामान रहते हैं उसी से बताऊंगी। और आप इसको सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी काले जो चेहरे पर काले दाग, पिंपल्स के दाग, एक्ने के मार्क्स जो भी हैं वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको कभी भी इस हथेली से अपने चेहरे पे मसाज नहीं, ये बहुत हार्ड होता है। हमें ये फिंगर टिप से ही हमेशा करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आप इससे ही करें, सेकंड इस साइड से करें। ये हो गया। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बता दिया और थर्ड स्टेप हम इससे करेंगे। मैंने आपको फेशियल का स्टेप बताया है।
चेहरे को नीचे की तरफ ऐसे 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 कोई भी स्टेप में ना करें, उसको ऊपर की तरफ करें। ये हमारा हो गया। अब हम इसे पोंछ लेंगे। आधी छोटी चम्मच चंदन पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेसन, आधी छोटी चम्मच मसूर दाल को जिसको मैंने पीस लिया है उसका पाउडर, और चुटकी भर मैंने हल्दी लिया है। और हाँ, आपके पास मुल्तानी मिट्टी हो तो वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास था तो वो ख़त्म हो गया है। अब इसको आप बनाने के लिए या तो इसमें दूध मिलाएं, गुलाब जल मिलाएं, पानी मिलाएं, हनी मिलाएं, कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। मैंने इसमें कच्चा दूध मिक्स किया है। हाँ, ध्यान रहे आप कच्चा दूध ही यूज करें, आप इसमें दही भी मिला सकते हैं। मैं मौसम के हिसाब से इसमें मिक्स करती हूँ, कभी मैं दूध मिलाती हूँ, कभी दही मिला लेती हूँ, कभी मैं पानी भी मिला लेती हूँ। हम इसे ड्राई होने देंगे, हल्का हल्का ड्राई हो चुका है। हाँ देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अपने हाथों को हल्का गीला करेंगे और इसको ऐसे करके गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद इसको हल्के हाथों से मसाज करेंगे। में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से और हाथ गीला करके इसे 1 से 2 मिनट तक इसके बाद इसे हमें क्लीन कर लेना है। कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइजर, जो आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो वो लगा सकते हैं। इसे सप्ताह में एक बार करें, आपको 1.5 से 2 महीने में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।